हेलो गाइस, मैं हूँ प्रियांशु और ये बेसिक आउटलाइन पार्ट टू। तो आज हम एक फेस ड्रॉ करेंगे। फेस पे आउटलाइन रेफरेंस में हमने लिया है फेस, जो कि एक कार्टून फेस है, पर हम इस पे ही करेंगे अभी, क्योंकि बेसिक से बताना है आपको। थोड़ा कैमरा ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो वो एक ग्रिड मेथड की मदद से ही करेंगे हम। आपको ऐसे उसमें कर लेना है, मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था कैसे कैसे करना है। तो हम इसको लेते हैं, पूरी वाइट हो गई है, दिख नहीं रहा, एक मिनट। अब सही है, तो हम वापस से ही लेंगे 1-1 सेंटीमीटर का गैप। हमें वैसे ही ड्रॉ करना है जैसे हमने पहले करा था, वैसे ही गैप लेना है और वैसे ही ड्रॉ भी करना है, जैसे इसमें 1 से लेके 7 तक है। एक मिनट, इसमें लेके 1 से लेके 7 तक है बॉक्सेस, हमें भी उसी हिसाब से लेना है। जैसे ही 1 से लेके 7 तक है, हम 0 से लेके 7 तक एक मार्क कर लेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन में फिर एक वर्टिकल में करेंगे। सेम प्रोसेस है, आप वैसे ही कर लेना जैसे पिछली वीडियो में बताया था, जिसने नहीं देखी वो जाके देख लेना। अब हमारे हो गया स्केल का काम ख़त्म, अब हम इसे रख देंगे साइड में। तो अब हम आते हैं अपनी उस पर, पहले हम इसमें डाल लेते हैं नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हम नंबर इसलिए डालते हैं कि हमें पता रहे हम सेंटर कभी भी ना, मतलब आईज से शुरू मत करा करो, साइड साइड की वो फेस की वो बना लेता हूँ, मेरे को तो सही लगता है, तो मैं उससे करता हूँ, जिससे आईज आईज इसमें कभी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये कार्टून का वो है, कार्टून का रेफरेंस है, पर जब रियलिस्टिक बनाओगे तो उसमें आईज में प्रॉब्लम होगी पक्का, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, देख लो ध्यान से, ये 4 है, 4 पे, एक मिनट, हाँ ये 4 पे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अब हमें सिर्फ इसी बॉक्स का देखना है, जो ये बॉक्स है ना, हम बॉक्स टू बॉक्स बनाएंगे, सिर्फ इसी बॉक्स का देखना है कि इसके अंदर कितनी शेप बन रखी है और कैसे बन रखी है, सिर्फ इसके अंदर, इसी 4 वाले बॉक्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऐसे हार्ट शेप बन रखी है, प्रॉपर ये अंदर से ये बनाएगी, और यहाँ से गैप देख लेंगे इस वाली लाइन से, यहाँ पे कितना गैप है अंदाजे से हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, हम अपने उतना बनाएंगे, ठीक है। हार्ट शेप सेंटर में ही, हम सेंटर में मार्क लगा के, ये तो मैं कैसे बता रहा हूँ, जब आप रियलिस्टिक वर्क बनाओगे किसी एक्चुअल फेस पे तब ऐसे करना, यहाँ पे मार्क लगा दिया ऐसे ऐसे, तब तो आपको अपने उससे ही करना पड़ेगा। जैसे ये है, हमें इस बॉक्स पर बनाना है, ठीक है। बॉक्स टू बॉक्स चलो, अभी अभी आप सीख रहे हो तो आप बॉक्स टू बॉक्स ही चलो, ठीक है। बॉक्स टू बॉक्स नहीं, हमें यहाँ मार्क करना है इस वाली लाइन से देख के, यहाँ इतना गैप है, अभी इसी लाइन को देख के यहाँ पे मार्क कर लेंगे, ठीक है। यहाँ से लेके खींचे, मैं आपको इसके बाद एक फेस पे बना के दिखाऊंगा, इसके बाद वाली वीडियो पे, जो एक यूएसटी फेस होता है उस पर हम यहाँ से हम इस वाले बॉक्स को बनाएंगे, इस वाले को तो नहीं बनाएंगे, यहाँ पर कुछ भी नहीं, इस वाले को बनाएंगे, ठीक है। हमें इस बॉक्स पे ये वाली सेप बनानी है, जो वाइट वाली ना, ये ब्लैक पे और वाइट पे, ये वाली सेप बनानी है हमें, ठीक है। हम यहाँ से खींच के, हमने इसे ऐसे खींचते सेप बनाने के, इस वाली लाइन को देख के यहाँ पर मार्क कर दे, ठीक है। और फिर ऐसे जॉइंट कर देंगे, यहाँ पर मार्क करता हमने, जॉइंट कर देंगे आराम से, सेम सेप बन जाएगी, ठीक है। सेम इसमें सेम नहीं, थोड़ा सा फर्क दिख रहा होगा, क्योंकि पेंसिल मोटी चल रही है, मैं आपको बताने के लिए मोटी कर रहा हूँ, अगर मैं बिल्कुल लाइट करूँगा तो आपको दिखेगा भी नहीं, इसलिए। और ना आप जब वैसे बनाओगे तो आपको बहुत लाइट चलानी पड़ेगी, जिससे आपको दिखे, और जब आप शेडिंग करोगे तो उस वक्त नहीं दिखनी चाहिए लाइन, ना कोई उसकी छाप छूटनी चाहिए। हम इससे ये चीज़ बनानी है, हमें इस बॉक्स का बनाना है, ठीक है, 6th वाले का। हम ऐसे कर लेंगे, पहले हम इस वाले लाइन को देखें, यहाँ पे मार्क कर लेंगे,
कर लिया यहाँ पे मार्क, ठीक है। अभी ऐसे करके कर्व है तो हल्का सा जैसे यहाँ पे ये इससे आगे आ रही है वाली लाइन से उतना ही थोड़ा सा आगे लाके थोड़ा सा, फिर हम ऐसे हम भी सेम उसी लाइन पे ज्वाइंट कर लेंगे जैसे उसमें था। बहुत मोटी मोटी, एक मिनट मैं छोटे से बना लूँगा इसलिए, बिल्कुल परफेक्ट। हम इसको देख के वापस मार्क लगा लेंगे यहाँ पे, इन दोनों को देख के मार्क मार्क लगाते हुए चलना है बस आपको यहाँ मार्क लिया। यहाँ पे ना कर्व से है ये भी देखते हुए चलना कि ये चीज़ कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है ऐसे में आ रही है ऐसे में, ठीक है। हमें भी ऐसे ही लानी है, उसके बाद देखो कैसे लाए यहाँ पे कर्व है, हम थोड़ा कर्व कर ले, मैंने बहुत छोटे छोटे ले लेने इसलिए दिक्कत हो रही है थोड़ी। हमें इस वाले बॉक्स को बनाना है, ठीक है। इस वाले बॉक्स बनाने हम यहाँ पे मार्क करेंगे, देखो बहुत ईजी है। ये वाली लाइन है हल्का सीधा से मार्क कर दे, इस वाली लाइन हल्का सीधा से मार्क करके पास हम सीधा ऊपर ले जाइए ले सकते हैं ऐसे, यहाँ से बन जाइए, ठीक है। इतना बढ़िया हम ये बन गया, हम अंदर का बनाते हैं जिससे हमें आइज बनाने में बहुत ईजिली हो जाए। फिर से ये तो हेयर के ऊपर का पार्ट है, ठीक है, जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करा। अब हम अंदर का देखें, ठीक है। फिफ्थ का सेकंड ये है, तो हम भी फिफ्थ के सेकंड पे ही इसी चीज़ पर मार्क करेंगे, इस वाली लाइन को देख के यहाँ पे मार्क। ये कार्टून का रेफरेंस मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें ईजी दिख रहा है अभी, और जब मैं आपको उस पर बताऊँगा ना तो ईजिली नहीं दिखेगा। तो रियलिस्टिक बहुत ही हमारी फेस की फोटोज वोटो जो भी होती है वो ईजी नहीं दिखती उसमें आउटलाइन, किसी किसी जगह जैसे नोज वोज पे हमें बहुत ध्यान से देख कर करना पड़ता है अंदाजे से ही। हम इस लाइन को देख के यहाँ पे लगाएंगे मार्क, इस वाली लाइन को देख के हम बॉक्स टू बॉक्स ही बनाएंगे जैसे उसमें बनाता बनेगा। अब आपको इसमें बहुत ज़्यादा गैप है, यहाँ पे इसमें कम है, हमें इसके हिसाब से देखना है, इसके अपने बॉक्स के अकॉर्डिंग देखना है, इसमें और इसमें इधर ज़्यादा गैप है हमें इधर ज़्यादा गैप देना है और इधर कम देना है, ठीक है। हमें यहाँ पे मार्क लगाना है इस वाली लाइन को देखिए यहाँ पर, क्योंकि ये यार यहाँ से आ रहा है ऐसे, हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे, ठीक है। जिससे जैसे ये वाली से भी बने, ये वाली भी बने और ये वाली भी बने अंदर की भी, ये वाली और ये वाली हमें सारी सेप देखते हुए चलनी है। अब ये वाली सेप बननी है, ये ऐसे बनेगी, हम यहाँ पे जब मार्क लगाएंगे, ठीक है, हम यहाँ पे मार्क लगाएंगे ऐसे करके तब बनेगी वाली सेप। अब बनेगी ये वाली सेप ऐसे ऐसे और ये चीज वाली सेप, अब यहाँ पर हमें बनानी है आँखें, हम आगे बाद में बनाएंगे, पहले हम अंदर का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेंगे जिससे हमें पता लग जाए कि आग कितने उसकी दूरी पे कितने उस पर है। जैसे लाइन हमें लाइन ऐसे खींचनी है यहाँ से यहीं से, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, किस चीज़ को देख के हम मार्क लगाए, किस चीज़ को देख के हम कैसे गए। बहुत ईजी चीज़ है, अगर जिसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट कर सकता है, मैं अच्छे से बता दूँगा। यहाँ से फिर हमें ये वाला बाल बनाना है, तुम फिर ये वाली लाइन देखेंगे, इस वाली लाइन से यहाँ पर मार्क करेंगे, इस वाली लाइन से यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इतने वाइब्रो बनेगी। अब यहाँ पे देखो ये यहाँ पर है और यहाँ पर है, ये चीज़ देख लो फिर ऐसे करके, यहाँ से एक लाइन खींचो इमेजिनरी, फिर उसको थोड़ा सा इधर जैसे ये है ऐसे हो गई, मान लो ये इमेजिनरी लाइन है, यहाँ से हल्का इधर बस ऐसे, बहुत ईजी चीज़ है। हमें यहाँ पर मार्क करना है, ठीक है, हम इस वाली लाइन को देख के यहाँ पर मार्क लगाइए, इस वाली लाइन को देख के यहाँ पर जिसमें फेस की लाइन खींचे और बालों की भी, पहले हम बालों की वो ज्वाइंट कर देते हैं ऐसे, अब हम फेस की खींचे आराम से ऐसे, हम अंदर का फेस बना लेते पहले, फिर हम आइज वाइज बना लेंगे ऐसे ना, हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा। अब अभी आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसे क्यों कर रहा हूँ, पर जब आप जैसे हमारी पिक्चर्स की वो बनाओगे तब आपको पता लग जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो आप सही जाओ ना अच्छे से तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जैसे ये हम कि ऐसे मार्क लगाओ ऐसे मार्क लगाओ, फिर तो आप जैसे ये चीज़ वाली लाइन देखोगे ऐसे मार्क लगा दोगे आराम से और बस अपना आप ही खुद ही पता लग जाएगा आपको क्या करना है, देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी शायद, बस ऐसे हमें यहाँ पे ज्वाइंट करना है। हमें कोई मार्क नहीं लगा रहा, मैं खुद ही ज्वाइंट कर रहा हूँ, ठीक है, अपने उससे जैसे हम बनाए कि अंदर की आइज किसमें तो आईब्रो ऐसी है, ठीक है, देखो यहाँ से यहाँ नीचे जॉइंट करना है आपको, ये वाली सेप बन गई, ये वाली जो स्किन पार्ट है इसका, वो स्किन पार्ट देखना आपको ये वाला, ठीक है, ये वाला स्किन पार्ट देखना आपको इस लाइन से, यहीं पे वैसे ही यहाँ पे भी बनानी है सेम बन गई। हमें यहाँ से जॉइंट करनी है, ये जो यहाँ से लाइन जा रही है उसके थोड़ा सा नीचे है, ऐसे ये लाइन जा रही है थोड़ा सा नीचे, हमें यहाँ से ऐसे ही जॉइंट करिए,
जॉइंट करके बस ऐसे, ठीक है। अब ऊपर से जैसे ये वाली लाइन है, इसकी हल्की से ऊपर से आपको देख रहे हो ब्लैक ब्लैक हो गया हो, इसलिए हम भी देखो ये वाली लाइन है ऐसे बता देता हूँ। ये वाली लाइन है यहाँ से ऐसे करके सेव बन जाएगी आराम से, ठीक है। ऐसे ये बन गई, आँख लग रही है नहीं आया आइब्रो अंदर की, आईज ड्रॉ करेगी। अब हमने पहले आईब्रो बना लिया, ठीक है। हम उसके नीचे से आईज बनाइए, जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल होगा ना वैसे वैसे बनाओ, जैसे जैसे आपको दिख रहा है कि हाँ पहले मैं ये बना सकता हूँ, अगर मैं इसको देख के फिर वो ये चीज़ बना लूँगा वो ज़्यादा ईजी रहेगा, आपको वैसे बनाना है। ज़रूरी नहीं आप पहले यही ये सब ड्रॉ करो फिर वो ड्रॉ करो, मैं तो ऐसे ड्रॉ करता हूँ, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि हाँ मेरे को ये देख लिया, मैंने ये वीडियो देख ली इसने ऐसे बताया वैसे ही, आपको जैसे ड्रॉ करना वैसे ड्रॉ करो। ये जैसे मैं बता रहा हूँ जो ड्रॉ नहीं कर पाते उनके लिए, चाहे बन गई कार्टून की, मतलब जो लोग जिसको इंटरेस्ट होगा तो बचपन से कार्टून की बनाई रहा हो वो फ्री हैंड भी बना लेगा, मेरे को पता है। तो मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके बाद जब मैं आपको उस पर बताऊँगा तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। बहुत छोटी हो गई, हम बनाएंगे यहाँ के सेम ऐसे ही, ये आईब्रो की लाइन है इसके हल्का से नीचे से यहाँ से हल्की सी लाइन है, पहले ये लाइन ड्रॉ कर लो चलो। उसके बाद ये वाली लाइन है यहाँ से यहाँ जॉइंट करनी है, जैसे ये वाला आता है ना इसे हल्का से नीचे जैसे ये यहाँ पे हम यहाँ मार्क लगा दें और ऐसे करके जॉइंट कर देंगे, ठीक है। हो गई, हम यहाँ से नीचे ले गए यहाँ से ये वाली लाइन है यहाँ तक, पहले यहाँ से यहाँ तक आ गई, हम यहाँ से यहाँ तक ले गए, मेरे को लग रहा है भले मैंने गलत बना दी। ज़्यादा छोटी बना ली मैंने भी, एंड करते करते ये बेंटन की आँखें हैं इसकी, तो ज़्यादा वो छोटा वो ले लिया है ना, 1 सेंटीमीटर गैप तो लेना ही नहीं चाहिए था, ऐसे कार्टून फेस है ऐसे करके ऐसे। जब तक इसके अंदर कलर नहीं होगा ना ऐसी दिखेगी बहुत जैसी, देख लो इतना परफेक्ट होने के बाद भी गलती हो ही जाती है, कितना भी सीख लो इसमें तो अंदर। अभी इसलिए ऐसी लगेगी इसमें कलर नहीं हो, जब तक ऐसी लगेगी क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं, यहाँ पे ब्लू है पूरा, और ये भी लाइन नहीं, मैंने लाइन नीचे तो दिया बस बताने के लिए। इसे भी अभी बड़ी भयानक लग रही है आपको, मेरे को पता है जब तक इसकी होट नहीं बनेगी ये हस्ती बन दिखेगी, ऐसे ही दिखेगी। हमें ऐसी लाइन खींचनी है, ये नोज की लाइन है जितने लंबे ऐसे ऊपर से, जैसे यहाँ से आ रही है देखो ये चीज, हमें भी यहीं से खींचनी पड़ेगी तो बस कितनी खींचते हैं यहाँ से नीचे से भी आ रही होगी। हमें इसमें ही इसी बॉक्स में लिप्स और वो बनाने, कभी कभी जब आप तेल बनाते हो तो उसमें भी ये चीज़ आ जाती है कि एक उसमें नोज भी बनाओ और उसमें भी बनाओ। अब हम कैसे बनाएंगे इसे, उसमें देखो
नोज़ का पार्ट देख लिया कितने हिस्से में, कितने हिस्से में, ज़्यादा हिस्से में नोज़ का पार्ट है, मतलब हम यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ज़्यादा लाइन खींच लेते हैं, इस हिस्से में नोज़ का पार्ट जाता है, हम यहाँ नोज़ बनाएंगे पहले अंदाजे से, इसमें कोई ट्रिक ट्रिक नहीं है, सिर्फ आपको अंदाजे से लगानी है, आपको अंदाजा सही होना चाहिए ऐसे बस। ठीक है, अब यहाँ पर हमें बनानी है होट, जब सीख जाओगे ना तो फिर तो अंदाजे पर ही खेले सब, कोई लाइन वाइन वो नहीं मैटर नहीं करती, फिर आपको जितना अंदाजा सही होगा उतना ही आपकी बच्चे जाएगी अच्छी बनेगी। ऐसे ऐसे ही वोट मीन से ऐसे ही लगी सही, बहुत लग रही थी वेटिंग, पता है कह रहा है ऐसे नहीं दिख रही, ये इसलिए ऐसे इसलिए दिख रही क्योंकि बहुत मोटी मोटी लाइनें चल गई है पेंसिल की, इसमें कांटो कर लेंगे इसका, जल्दी सीख जाओगे आउटलाइन ड्रॉ करना, तो मतलब सीख ही जाओगे जल्दी, पहले तो मैं भी बहुत गंदी गंदी करता था, पर मैंने 1.5 साल में ही सीख ली, बहुत अच्छी है मेरी, देख सकते हो जो जो मैंने बनाई है, कैसे कैसे बनाई है, मैंने वीडियोस डाल रखी है सारी लाइन को देख के, हल्का से ऐसे ऐसे जो सीख जाओगे ना ऐसे ही ड्रॉ करूँ जल्दी जल्दी, बस इसमें देखा यहाँ खींच दिए, इसमें देखा यहाँ खींच दी लाइन, बड़े आराम से, फिर तो बस ये जो मैं मार्क वार्क की कह रहा हूँ, फिर तो मार्क वार्क कुछ भी नहीं देखोगे, सीधा देखते ही ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ अभी वैसे ही कर दोगे, अगर आपको अभी भी नहीं आ रही समझ तो आप कमेंट में बता देना, जिससे भी अच्छा तरीका बताओ कोई तो मैं देखता हूँ, ऐसा कोई तरीका वरीका तो नहीं, मतलब हाँ ये तरीका है एक, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक तो कैसे ही हो, कैसे ही सीख सकते हो, मैं इतनी जल्दी से सीख गया था क्योंकि मैं सुबह सुबह लेके बैठ जाता था बनाने के लिए, मैंने स्टार्टिंग करी थी अब तो नहीं, पहले जब मैंने स्टार्टिंग करी थी सुबह सुबह उठते ही बैट से उठते ही लेके बैठ जाता था, तो ऐसे ही धीरे धीरे करके आ गई, मैंने कोई मार्क वार्क नहीं लगाया, मैंने डायरेक्ट बना दी, एक ही चीज़ बार बार बताऊंगा तो फिर बस आप भी बोर हो जाओगे, कार मोटे नहीं लग रहे हो ना, ये पेंसिल की ज़्यादा मोटी ने खींच गई ना इसलिए कार मोटे नहीं लग रहे हो पक्का, ये तो मैंने पतली कर दी ना, ये वाला कार थोड़ा मोटा लग रहा है, इसको थोड़ी पतली कर देता हूँ, वरना तुम बोलोगे खुद तो बना नहीं पा रहा ऐसे, बाकी सब मांगते रहते थोड़ी चिड़ी, गाइस मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी थी क्योंकि बहुत लंबी हो रही थी वीडियो, इसलिए जो भी आपको समझ में नहीं आएगा वो आप कमेंट कर देना, जो भी आपको पूछना हो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा, जो भी आपको नहीं आएगा समझ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।